हे भोलेनाथ, आज खाली हाथ मत घर भेजना। हम आपके लिए 1 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। जीती बोलना। हाँ भगवान जी, हम और संतु जी मिलकर ना 500 ग्राम लड्डू का भोग लगाएंगे। इतना का भक्ति चल रही है आज। जय हिंद मैडम। जय हिंद। नहीं, हम भी तो जाने ऐसा कौन सा चीज है जो आप सबको एक साथ चाहिए, जो आप एक साथ लगे पड़े हैं भगवान जी को उठाने में। सैलरी क्या? तनख्वाह, जो आखिरी बार ख्वाब में ही देखी थी। करिश्मा मैडम, अब तो याद भी नहीं है कि कैसा दिखता है। मुझे याद है, मैं बताती हूँ। ग्रीन कलर का होता है और उसमें गांधी जी की फोटो होती है ना। अम्मा, इतना पूजा पाठ जो आप भोलेनाथ को कर रही हैं पुष्पा जी, इससे अच्छा लोगों को समझाइए ना कि टैक्स टाइम पे दे, ताकि सरकार आपको आपकी सैलरी टाइम पे दे। ये बात भी सही। और तुम? हाँ। क्या पुलिस हो? नहीं। तो सबके साथ यहाँ क्या पूजा कर रहे हो? चोरों को सैलरी नहीं आता है। Excuse me, क्या बोले तुम? मैं चोर नहीं हूँ करिश्मा मैडम। आई एम बिल्लू द स्पा। रुक जाइए, थाने का महीने का खर्चा आई एम फाइनेंस। चाय से लेकर बिरयानी तक, पेट्रोल से लेकर फोन के बिल तक मैं फाइनेंस करता हूँ। और जैसे ही सैलरी आती है मेरा हिसाब होता है, जो कभी नहीं होता है। चोर चंडाल आदमी मैडम कुछ भी बोल रहा है। चल चल लॉकअप पे, चल क्या? चल लॉकअप में चल। फाइनेंसर प्लीज बिलोटे प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, आई एम फाइनेंसर। करिश्मा मैडम, 3 महीने हो गए, आज हेडक्वार्टर में बात तो की है। पीओ रिलीज हो गया लेकिन अकाउंट में आया नहीं अभी तक। सैलरी ना हुई, हमारे होने वाले पोता पोती हो गए, पता नहीं कब आएंगे। आपका रिकॉर्ड अभी भी वहीं अटका हुआ है पुष्पा जी, पोता पोती। और कौन से पैसों का जरूरत पड़ रहा है आपको? बाइक पे हमारे साथ आती है, ऑटो का खर्चा बचाती है। कौन से पैसों का कमी आ रहा है आपको? हमको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, हमें बहस नहीं करनी, हमारा फैसला हो गया। तो आप? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, क्या फैसला कर लिया? फैसला ये है कि करिश्मा मैडम लल्ला के साथ छुट्टी पे जाएगी और जूनियर लल्ला लाएंगी। संतोष जी सैलरी आ गया। वाओ, आज की पार्टी मेरी तरफ से। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। एक मिनट, क्या मजा आ गया? क्या क्या कर रहे हो? अभी चीते, ये देख, ये पेपर में मॉडल का फोटो आया है। क्या परी लग रही है, मजा आ गया। अगर इतनी खूबसूरत लड़की इस बिल्ले के घर जिंदगी में आ जाएगी ना, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उस लड़के की। ऐसा नहीं हो सकता। वाह बिल्ले, वाह वाह वाह, शाबाश। हमको बहुत अच्छा लगा कि तुम सच बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। इससे पता चलता है ना कि तुमको तुम्हारे औकात के बारे में पता है। हा? हेलो, हमें अपनी औकात पता है। हो नहीं सकता इसका मतलब प्यार के लिए मिलना जरूरी होता है, और वो जब हमें मिल जाए ना तो सीधा शिफ्ट हो जाएगी बिल्लू निवास में, समझे? हाँ बिल्कुल सही। वैसे जैसे एलियाना इनके साथ शिफ्ट हो गई। याद मत दिला यार। पुष्पा जी, क्या लगा रखा है आपने सुबह से? क्या? अच्छा, आपको नहीं पता है? आपने लल्ला को आज कितनी बार फोन किया? 20 बार से ज्यादा तो कर ही दिया होगा। आया उनका फोन हमारे पास, बता रहे हैं कि कसम दे रही हैं आप उनको कि हमको हिल स्टेशन पे लेके जाए। देखिए पुष्पा जी, हम बहुत देख रहे हैं। देखिए क्या देखे हम? यही कि हमने ड्यूटी के साथ साथ अपने लल्ला को अच्छे से संभाला ना, तो फिर आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ छोटे लल्ला को क्यों नहीं संभाल पाएंगी? संभाल पाएंगी। तुम चुप रहो। और हम ये आपसे हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से नहीं, आपकी सासू माँ की हैसियत से कह रहे हैं। आप कल ही चले जाइए हिल स्टेशन, हम बात करते हैं हसीना मैडम से। नहीं, आप मत बात कीजिए पुष्पा जी, हम जाके खुद बात कर लेंगे, ठीक है? तो जल्दी कीजिए, अब हमसे रुका नहीं जा रहा है। हाँ करिश्मा सिंह, हमें जाना होगा करिश्मा मैडम के साथ हिल स्टेशन। हमारी अम्मी फारुखाबाद गई थी हमारी फूफी के घर, वहां जाकर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए हमें वहीं जाना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और सिर्फ 150 किलोमीटर है, 2 घंटे में आपको पहुंचा देंगे वहां पे मैडम सर। नहीं करिश्मा सिंह, थैंक यू, लेकिन थाना संभालने के लिए कोई चाहिए। आप थाना संभालिए, हम 2-3 दिन में आ जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम सर, हम यहाँ संभाल लेंगे। आप अम्मी का ध्यान रखिए और आपको कोई भी जरूरत पड़े तो हमको फोन कर दीजिएगा। हो गया सबका टाइम पास, तो चले काम करें अब। जी जी, चलिए। अगली बार चाय अच्छी बनाना, बदनाम। कुछ काम की नहीं है। अरे वाह, रंभा, उर्वशी, मेनका, भाविका, युक्ति, सोनाली। जी, हम पुष्पा सिंह हैं। मैं संतोष। एंड मी माई सेल्फ बिल्लू द स्पा। हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है। जान पहचान केंद्र खुलवा लो, लड़के और लड़कियों का रिश्ता करवा देंगे हम यहाँ पे। नहीं मैडम, हमारे लिए ना रहने दीजिएगा, क्या है ना कि हम अपने लिए पहले ही से लड़की खोज लिए हैं। बेचारे हाँ? चीते, तबीयत से क्लास लेंगे हम तुम्हारा, रुको तुम। जी, हम एसएचओ करिश्मा सिंह, बताइए आपका क्या सेवा कर सकते हैं। बैठ के बताइए, बैठिए ना। अरे आप सी, अब बताइए, गो अहेड। हमें हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए? मैडम, हम मिस लखनऊ की 3 फाइनलिस्ट हैं और 2 दिन में हमारा फाइनल है, लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओह, आई एम सो सॉरी, पर करिश्मा मैडम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि उनको रैंप पे चलना नहीं आता और पुष्पा जी के घुटनों में दर्द रहता है। एक मिनट, हमने कब कहा हमारे घुटनों में दर्द है? संतु जी, आप ट्राई कीजिए ना, आप भी किसी अप्सरा से कम है क्या? चीते, रैंप पे अप्सरा नहीं, मॉडल्स चलती। ये मासूम संतोषी, कहाँ जाएंगे आप इतना ज्यादा मासूमियत लेकर? कल्लो थाना थोड़ी है, गार्डन खोल रखे हैं हम, घास लगी हुई है, वहाँ झूला लगा हुआ है झूलने के लिए। आप हमें बताइए, आप भाग क्यों नहीं लेना चाहती? क्योंकि हमें थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, अगर हमने फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट किया तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। कि मैया की सासू मैया, क्या बाप का राजा, जान से मार देंगे वो लोग। नहीं, आप लोगों को किसी पे शक होक है? नहीं। नंबर दो, जिस नंबर से तुमको कॉल आ रहे हैं वो नंबर दो। संतु, नोट करो। हाँ, मैडम, तीनों मुजरिम एक ही नंबर यूज कर रहे हैं क्या? इतनी मासूम है ना आप संतु जी, इतनी ज्यादा मासूम है ना, इसका ये मतलब हुआ ना कि तीनों मुजरिम एक ही मुजरिम है। जाओ ना, पता लगाओ ना संतु, कौन है, किसका नंबर है ये, जाओ। जी मैडम, आप जाइए और टेंशन मत लीजिए, हम संभाल लेंगे। आप जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम लोग यही रहेंगे। हाँ मैडम, हमें यहाँ ज्यादा सेफ्टी फील होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहीं पे सेफ हो। तो मेरे बिल्लू निवास में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए, हम साथ साथ रहेंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ बिल्ला, और तुम्हारा बोरिया बिस्तरा हम लखनऊ के अस्पताल में पहुँचा देते हैं, तुम वहाँ रहिएगा और ये तीनों यहाँ रहिएगा तुम्हारे लॉकअप में, ठीक है? नहीं नहीं मैडम, आप इतने प्यार से रखते हैं तो हम अकेले रह लेंगे। मैडम, ये नंबर किसी नेता बबलू त्रिपाठी के नाम पर रजिस्टर्ड है। चीते, चलो त्रिपाठी से थोड़ा बतिया कर आते हैं। जी मैडम। मुन्ना, सारा माल गोदाम में रखवा दो, अगले महीने मारे लिए कोई गलती नहीं होना चाहिए। बबलू त्रिपाठी बोल रहे हैं। बोलेंगे ही ना। कौन बोल रहा है? पीछे देखिए। जब हम सवाल करते हैं ना, जो नहीं बोलते हैं वो भी बोल डालते हैं। एक ही बार पूछेंगे, इन तीनों को जानते हो? दिखाइए। जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कल देखा था इन्हें मिस लखनऊ कंपटीशन में। और जानती हैं कल से ही हमारी अम्मा हमसे जिद कर रही हैं कि इन तीनों में से हमारा रिश्ता किसके साथ जोड़े, और हम भी थोड़ा कंफ्यूज हैं कि इन तीनों में से किसकी किस्मत चमका है। आखिर लखनऊ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो ठहरे, हमारे होते हुए लखनऊ के मोस्ट एलिजिबल बैचलर आप ठहरे। फिलहाल लखनऊ के सलमान, आप मोस्ट एलिजिबल नहीं, आप मोस्ट वांटेड हो रखे हैं। अभी कहना क्या चाहती हैं आप? हाँ, सब यही समझ लीजिएगा। चलिए ना थाना, सब डिटेल में समझा देंगे, आइए। थाना और हम बेबी, कहा है ना कि हम जैसे नेताओं को कचहरी थाने जाना शोभा नहीं देता है। अब हम कोई उठाई गिरी तो है नहीं कि आप आइएगा, हथकड़ी लगाइएगा और ले जाइएगा। बबलू त्रिपाठी नाम है हमारा। लखनऊ शहर की जिस गली से गुजरते हैं, शेर भी हमें देखकर सर झुका लेता है, समझी? जो सर झुका ले वो गीदड़ कहलाता है। हम शेर नहीं है, हम पंजा मार के ना हलक से जान निकाल लेते हैं, समझिए। पंजा मारिएगा तो फिर आइए कोठी पर। आप अपना बात पंजा मारकर ही समझाइएगा, लेकिन कुछ हम भी समझाएंगे। चाहिए तो डीएसपी साहब से बात करें। पीछे चलो, चल पीछे। कोठी बहुत दूर है, समझाना अर्जेंट था। अब आप डीएसपी सर या कमिश्नर सर को कॉल लगाइए, लेकिन थाने में जाकर। जितिन को थाने लेकर आओ, नहीं तो बाकी का कहानी भी अभी समझा देंगे हम इनको। आइए, थाना देख लिया, झूला भी झूल लिया, अब ये देखिए मेरा बिल्लू निवास, महिला पुलिस थाने की स्पेशल जगह। अगर आप चाहे तो आप यहाँ मेरे साथ बिल्लू निवास में रह सकते हैं। ये होटल का कमरा है जो तुम इन तीनों के साथ शेयर करोगे। पुष्पा जी चुप। वैसे आप बहुत क्यूट हो, आपके साथ एक सेल्फी लेते हैं। हाँ हाँ, सेल्फी सेल्फी, टेक टेक सेल्फी। वन सेक। अंदर चलो। भाविका, सोनाली, युक्ति, इधर आइए प्लीज। अभी नहीं संतु, एक मिनट। आप तीनों इनको जानती हैं? नहीं। मैडम वो एक सेकेंड, आप इन तीनों को जानते हैं? बताए तो थे, कल देखा था इन तीनों को मिस लखनऊ कंपटीशन में। संतु एक सेकंड, बात कर रहे हैं ना कुछ। हाँ, फिर उसके बाद क्या त्रिपाठी जी? उसके बाद फिर हम घर गए, अम्मा ने खाना खिलाया और हम सो गए। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे अब इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है भाई, खाना खाए थे तो खाए थे, चाहे तो अम्मा से पूछ लीजिए। आप घर गए थे, उसके बाद आपने कॉल किया इनको और जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी और इन्हें? अरे भाई, ये कोई विपक्ष की नेता है जो हमें जान से मारने की धमकी देंगे? एक मिनट रुको तुम, और तुम भी। क्या चूरन समझ लियो हमको? थाने में रह के झूठ बोलोगे और हम मान लेंगे? थ्रेट कॉल किए तुमने इन लड़कियों को। ओहो, तो इस टुच्चे कॉल की वजह से आप हमें थाने लेकर आई हैं। मैडम, एक कहावत तो सुनी होगी आपने कि जोश से काम करना चाहिए लेकिन होश के साथ। साहब को फोन करने की। संतु, का तुम कब से हमारे कान में खुसर खुसर कर रही हो? का दिक्कत हो गया? का दिक्कत हो गया? बताओ, तुम बताओ पहले। मैडम, वो मैं कब से आपको फोन करके ये बताने की कोशिश कर रही थी कि 2 दिन पहले इनका फोन गुम हो गया था और इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी। आज सुबह इनको इनका फोन वापस मिला है। वाह 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 संतु जी, कितना बढ़िया बोली है। मतलब इतना फास्ट तो शंकर महादेवन गा भी नहीं सकता जितना। सॉरी अमर, टोपा हो का तुम चीते को फोन नहीं कर सकती थी? चीते का फोन अनरीचेबल था मैडम। देखा मैडम, बिना छानबीन के एक्शन लेने का नतीजा। शहर के एक इज्जतदार आदमी को आपने गुनहगार बना दिया। कोई बात नहीं, होता है, जोश जोश में ऐसा होता है। लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो हम चलें। और हाँ, अब हम अपने इस मोबाइल से एक फोन और करेंगे। आप अपने आप को उसके लिए तैयार रखिएगा। और आपने उसे फिर से थप्पड़ जड़ दिया है? अरे वो कोई गली का गुंडा नहीं है। मुजरिम मुजरिम होता है सर, फिर वो गली का गुंडा हो, नेता हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, उनके साथ भी वैसा ही सुलूक होगा जैसे एक मुजरिम के साथ होता है। हम सब जानते हैं मुजरिम साबित हो गया। ना सोचा, ना समझा, ना जांचा, ना परखा, बस उठा लाई उसको। और जानती हो, उसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है। आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है सर। लेकिन इसमें सिर्फ इनकी गलती नहीं है, उसने इनके साथ बदतमीजी की। आप कुछ तो कर सकते हैं ना? अरे कर सकते हैं नहीं, कर दिया है पुष्पा जी। इन्होंने तो जो हरकत की थी ना, तो इनकी वर्दी उतर जाती, नौकरी चली जाती, लेकिन मैंने सब कुछ बचा लिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने इनका डिमोशन कर दिया। एसएचओ से सीधा एसआई बना दिया। और परमानेंट एसएचओ बनने का इनका सपना टूट गया। ये सरासर नाइंसाफी है सर। इतने समय से अपनी काबिलियत साबित करने के बावजूद डिपार्टमेंट ने हमें सिर्फ टेम्पररी एसएचओ का पोस्ट दिया। अब एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो हमें एसआई का पोस्ट दे रहे हैं वापस से। सर इस बार इन्हें माफ कर दीजिए। इनसे इनकी पोस्ट मत छीनिए सर, प्लीज। हाँ सर, प्लीज। सर, हम ना पर्सनल लेवल पर ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सर। अरे आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हमने जानबूझकर इनका डिमोशन किया है। अरे वो बबलू त्रिपाठी अगर मुजरिम साबित हो जाता तो ठीक था, उसे शक के बिना पे लाया जाता तब भी ठीक था, लेकिन उसके इलाके में जाके उसे थप्पड़ जड़ देना। सर, वो बदतमीजी किया था, वो मैडम को उकसाया था इसे थप्पड़ मारने के लिए। हम खुद देखे थे सर। हम सब जानते हैं करिश्मा से। अपने आंखों से गुस्से का पट्टी उतारिए और इस सिचुएशन को एक मौका समझिए अपनी पोस्ट को वापस पाने का। हसीना मलिक यहां पर नहीं है और केस भी आपके चार्ज में है। इस केस को सॉल्व कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी पोस्ट ही नहीं बल्कि परमानेंट एसएचओ बना दिया जाए। हम समझ गए सर। अब हमें ये केस सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। जो कोई भी इन लड़कियों को तंग कर रहा है ना सर, उसे हम सलाखों के पीछे डालेंगे और ये हमारा आपसे वादा है। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद। संतु, तुम जल्दी से त्रिपाठी के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और पता करो जिस दिन उन लड़कियों को थ्रेड कॉल्स आ रहे थे उस दिन कॉलर का लोकेशन क्या था, ठीक है? यस मैडम। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप उस बबलू त्रिपाठी के पीछे क्यों पड़ी है? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम त्रिपाठी के पीछे नहीं पड़े हैं, हम सबूत के पीछे पड़े हैं। और त्रिपाठी ही वो कड़ी है जो हमें सबूत तक पहुंचाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे ये केस। अरे वाह, आप लोग ऐसे नहा धो के फ्रेश हो गई? जी जी। जय मैडम। जय हिंद। हाय मैडम। हेलो, आ गई है? हाँ मैडम, आ गई, बैठी भी हैं लोग। अच्छा सुनो, लड़कियां है ना बहुत बकैती करती हैं, उनका चीचा थोड़ा ज्यादा ना हो कि हम काम कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब होगा। हाँ ठीक ठीक, चलिए। Why there is no AC? Seriously? Because my name is Billu the Spa. I'm cool. आपके तीनों के वजह से पूरे लखनऊ शहर का तापमान ही बढ़ गया है। आप कहे तो पूरे लखनऊ शहर को एयर कंडीशन बनवा दे। Come on. Thank you. मैडम, इस छोटे से आदमी की बड़ी-बड़ी बातें तो ऐसे चलती रहेंगी। आप कुछ पिएंगी? हाँ। आप कुछ खाएंगी? बिरयानी? यू? ये तो बहुत फैटनिंग है। हम नहीं खा सकते। इनको पसंद है ये फ्रेश फ्रूट्स। सोनू बेबी, टेक इट बेबी। आप तीनों ना बहुत अच्छे हो। We really like your company. Take it, take it. यार ये तीनों ना बहुत ही खूबसूरत है यार। वो जेब्रा क्रॉसिंग वाली है ना, हाँ? वो तुम्हारी भाभी बनेगी सोनू बेबी। ओए यहाँ केस आगे बढ़ नहीं रहा है और यहाँ दिल लगाया जा रहा है। लगता है अब अपना भौकाल दिखाना ही पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.